रीमा चौकी के अंतर्गत ग्राम मनी गांव में ससुर व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा महिला के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दोफाड़ की ग्राम मनी गांव निवासी पुष्पा पुरी ने इस आशय का एक ज्ञापन भी पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। पीड़ित महिला पुष्पा पुरी ने बताया कि विगत 13 नवंबर को उसके ससुर ने उसके साथ मारपीट करते हुए उन्हें लहूलुहान कर दिया। ईंट पत्थर व लात घूंसों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वो अपने मासूम बच्चे के साथ किसी तरह जान बचाकर भागी। पुष्पा ने परिवार के सदस्यों से खतरे की आशंका जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इधर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता के मामले में पुलिस गंभीर है तथा उनकी व बच्चे की पूरी सुरक्षा की जाएगी। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट। सर, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है और इतना ज़्यादा ये मेरे सर में मार के हैं, ये है और पूरे मेरे ये पूरे लात और घूसे से मेरे पूरा फेस में ऐसा किया गया है सर, देखिए। और ये मेरे ससुर जी द्वारा मारा गया, मेरे सास के द्वारा मारा गया और पूरा मेरे बॉडी में सारा मेरे बॉडी में जूता और हाथ पांव से मेरे हाथ पांव में ऐसी ये पूरा सीमेंट के ब्लॉक से इतने बड़ा वार किया गया है। और इतने होने के बाद भी मैंने अपने पति को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो वो उल्टा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ उल्टा केस कर दूंगा, तुमको फंसा दूंगा और तुम झूठा केस लगा रहे हो मेरे माता पिता पे। और मेरे बहुत पहचान है, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मुझे तेरे से तलाक चाहिए और तलाक नहीं देगी तो तेरे बच्चे को और तेरे को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आज आप यहाँ एसपी साहब से मिले हैं? हाँ, मैं आज एसपी साहब से अपनी पूरी बात बताई है और मैं मेरे साथ जो घटना हुई है उसकी वीडियो भी मैंने एसपी सर को दिखाई है। इतनी दर्दनाक, शायद किसी और कोई हैवान जानवर के साथ भी ऐसा ना किया गया हो जैसा मेरे साथ व्यवहार किया गया है उनके द्वारा। फिर भी बोल रहे हैं कि मेरे साथ अभी तो इतना ही मारा है और उसके बाद हम तेरे साथ क्या करेंगे, तेरे को अंदाजा भी नहीं होगा। मारने के बाद हम सब पूरा सारी बातें को बंद कर देंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, प्लीज़ मुझे न्याय चाहिए सर, प्लीज़ मेरे। आपको भरोसा दिलाया है? हाँ सर, वो उन्होंने बहुत भरोसा दिलाया है। वो बोल रहे हैं कि अगर इसके बाद अभी कोर्ट में आप सभी अपने अपने मुद्दे को रखिए और इनसे पहले 307 की धारा लगाई गई थी जिस मेरे को इतने ज़्यादा वार किया था मेरे सर पे कि सीमेंट के ब्लॉक से मुझे जान से मारने की नियत से इतना ज़्यादा मेरे पे वार किया था, शायद मेरा बचना मुश्किल था। और मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और बोल रहा था कि मम्मी को छोड़ दो, उसको भी नहीं देखा इन्होंने। फिर भी जब मार रहे थे मेरे को तो फिर बोल रहे थे कि तेरे बेटे को तुझे मारूंगा, मेरे बेटे ने ऐसा बोला है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, तेरे को मार के और तेरे बेटे को भी मार दूंगा। अब क्या आप क्या चाह रहे हैं सर? प्लीज़ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो और जो और मुझे न्याय मिले। और मेरा इतना छोटा बच्चा है, बार बार मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँगी सर? और इनके खिलाफ़ प्लीज़ इनके और कमांडेंट आगे तक बात पहुँच जाए, मेरे इतने शेयर कर दीजिए सर प्लीज़। हाँ देखिए, ये कपकोट थाने से संबंधित एक मामला है। ये 11वें महीने में एक महिला के साथ जो है उनके परिजनों के द्वारा मारपीट की गई थी जिसमें उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और इसमें पूरी विवेचना भी कंप्लीट होकर इसमें चार्जशीट भी हो चुका है मामला। अभी महिला और उसके परिजन भी आए थे मुझसे मिलने के लिए इसी विषय पे कि जो है हमारा इसमें और स्पीडी तरीके से क्या हो सकता है, तो उनको पूरा फैक्ट्स हमने बता दिए हैं और फर्दर जो है इसमें चीज़ें जो है माननीय न्यायालय से संबंधित है वो भी उनको हमने समझा दिया, ब्रीफ कर दिया है और सुरक्षा के लिए भविष्य के लिए भी उनको आश्वस्त किया है कि कोई भी और ऐसी दोबारा से कोई ऐसी घटना होती है या उनके साथ मिसबिहेव होता है तो तत्काल 112 और प्लस अपने थाने के भी नंबर है उनके पास, उसमें सूचित करें और उनको हम तत्काल मदद करेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।